Yes, dosto, Jahangir and Shah Jahan, chapter 9, bada interesting chapter hai. Aaj aapko batayenge hum, Taj Mahal kisne banaya? So are you interested to know who built the Taj Mahal? But before that, who is this beautiful lady? Kahan gayi? Are madam, kahan gaye aap? Ye mohatarma kaun hai? Ye sab kuch purane zamane ki paintings hai, aapko pata hai, but aaj hame padhna hai Jahangir ji ke bare mein. So Nuruddin Muhammad Jahangir. Nuruddin Muhammad Jahangir, also known as Prince Salim, in Indian history, was the ruler of Mughal Empire from 1605 CE to 1627 CE. Kaun batayega kitne saal isne rule kiya? Fatafat, 1, 2, 3, yo. Yes, you're right, 22 years. अकबर के बेटे थे जहांगीर एंड ही वॉज द थर्ड एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ द मुगल एम्परर अकबर. हिज मदर जोधाबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ अंबर. बाप और बेटे के बीच में झगड़ा अच्छी बात नहीं है. सलीम साहब ने क्या किया आपको पता है? उसने अकबर के साथ बहुत झगड़ा किया. दोस्तों देखिए, झगड़ा नहीं, जंग बोलेंगे, जंग. अराउंड 1600 सीई सलीम ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट अकबर. ओपनली, खुलेआम चुनौती दे दिया बाप को और अपने आप को बना दिया एम्परर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर. एंड अकबर कहीं गए हुए थे, had to hastily return to Agra to restore order. Restore order, अरे देखो, बाप के होते हुए बेटा बोले कि जाओ अब से मैं emperor, तो order तो खराब हो ही जाएगा. Law and order का बात हो रहा है दोस्तों. Order मतलब law and order, law and order. जाहिर सी बात है, अकबर प्रिंस सलीम से नाराज तो होंगे ही. प्रिंस सलीम फोर्सिबली सक्सीडेड टू द थ्रोन. फोर्सिबली, जोर जबरदस्ती ही सक्सीडेड टू द थ्रोन. कब सक्सीड करते हैं? जब पिताजी गुजर जाते हैं. ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर हिज फादर्स डेथ. He assumed a new name, Jahangir. आप से मेरा नया नाम. आप लोग नाम मत चेंज करिएगा, ओके? So Jahangir forcibly थ्रोन को सक्सीड करते हैं. अब देखो हुआ क्या. अकबर प्रिंस सलीम से नाराज थे. प्रिंस सलीम अकबर के बेटे थे और प्रिंस सलीम के बेटे थे प्रिंस खुशराव. प्रिंस खुश रहो. तो प्रिंस सलीम जो अपने आप को जहांगीर कह रहे थे, उनके बेटे का नाम क्या था? जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया आपको. प्रिंस खुसराव. तो अकबर चाहते थे बेटा तो नालायक है जहांगीर, या प्रिंस सलीम तो नालायक है, बट उनके बेटे प्रिंस खुसराव बड़े ही अच्छे व्यक्ति है. तो अकबर चाहते थे प्रिंस सलीम को एम्परर नहीं बना के प्रिंस खुसराव को एम्परर बना दिया जाए. बट प्रिंस सलीम, दोस्तों यकीन करो, वो अपने सगे बेटे को अंधा कर दिया. सगे बेटे की आंख उसने नोच ली. बोला, अच्छा बाप के सामने तुम तलवार उठा रहे हो? तो सोचो, गद्दी और पावर के लिए बाप ने बेटे की आंखें नोच ली. जो बाप अपने बेटे को आंखों का तारा समझते हैं, बट यहां मुगल्स में ऐसा नहीं था दोस्तों.
power, power, and power. That was the ultimate situation there. आइए आगे कहानी को बढ़ाते हैं. History is his story. Jahangir had to fight against his son Prince Khusrau when the latter attempted to claim the throne based on Akbar's will. Akbar चाहता था खुसराव बैठे गद्दी पर, but Jahangir ने उसकी आंखें नोच ली. Khusrau was defeated. बाप और बेटे के बीच में जंग. Khusrau was defeated. बाप जीत गया. बाप बोलता है, बाप बाप होता है. And confined in the fort of Agra. आगरा के फोर्ट में अपने बेटे को बंदी बना लिया. और उसी जमाने में, उसी समय एक गुरु हुआ करते थे, गुरु अर्जन देव, सिखों के गुरु हुआ करते थे. उन्होंने शायद खुसराव का मदद करने की कोशिश की, कुछ पैसे दिए होंगे. तो बाद में जहांगीर ने गुरु की भी कुछ नहीं सुनी, कुछ नहीं समझा. होंगे आप सिखों के गुरु, मैं नहीं मानता आपको. और उनको भी मौत के घाट उतार दिया. जहांगीर ने सिख गुरु अर्जन देव को मौत की सजा दे दी. और उसी से शुरू हुआ सिख वर्सेस मुगलों के बीच में एक टशन. सून आफ्टर, कहानी को बढ़ाते हैं दोस्तों, सून आफ्टर खसुरा वॉज ब्लाइंडेड, अपनी ही बेटी की आंख ले ली. एंड फिफ्थ सिख गुरु उनका नाम था अर्जन देव, वॉज पुट टू डेथ. क्यों? क्योंकि उसने प्रिंस खसुराव, जो जहांगीर का बेटा था, उसको मॉनेटरी हेल्प करने की चेष्टा की थी. तो इसीलिए अर्जन देव को मार दिया जाए. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन द सिक्स एंड द मुगल्स. कॉन्क्वेस्ट ऑफ जहांगीर. अब बात करना है दोस्तों, जहांगीर जैसा भी हो, बेटे की बलि चढ़ाकर पिताजी को नाराज करके एम्परर तो बन गया. एम्परर बनते के साथ कुछ जंग उसने छेड़ी और वो कुछ जंग जीता भी. आइए बात करते हैं मेवार का. मेवार में है WAR. W को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा MAR, और यहां लगा दो A. A मार नहीं, हम बात कर रहे हैं अमर की. कौन है ये अमर, अभी बताते हैं दोस्तों. जहांगीर एंडेड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट मेवार. 100 साल से मेवार के साथ मुगलों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था, लड़ाई झगड़ा. और कोई भी लड़ाई कब खत्म होता है? जब एक पार्टी 100% जीत जाए. तो ही एंडेड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लॉन्ग स्ट्रगल. इसका मतलब क्या है? जहांगीर जीत गया. राणा अमर सिंह थे मेवार के उस समय. राणा अमर सिंह को जहांगीर ने कहा कि देख राणा अमर सिंह, मैं तो अपने बाप को भी कुछ नहीं समझता हूं, बेटे को भी कुछ नहीं समझता, तो तू चीज क्या है? राणा अमर सिंह ने कहा, भाई तू किसी को कुछ समझे या ना समझे, मैं तेरे को कुछ नहीं समझता, हा जा जो करना कर ले. तो जहांगीर ने छेड़ी जंग और राणा अमर सिंह बहुत बहादुरी से लड़े जरूर होंगे, बट जीत नहीं पाए. होता क्या है फिर? ही वॉज डिफीटेड इन द एनसुइंग बैटल एंड वॉज फोर्स्ड. राणा अमर सिंह चाहते तो नहीं थे, बट क्या करें, अगर आप हार जाओगे ना जिंदगी में दोस्तों, तो आपके ऊपर कोई भी अपना कुछ भी फोर्स लगा सकता है. तो जिंदा रहना है, शान से जीना है, तो जीतना सीखना होगा दोस्तों. और जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. अगर हार जाओगे तो दुनिया आपके ऊपर अपना फोर्स लगा सकता है. तो राणा अमर सिंह चाहते तो कभी नहीं थे कि वो हारे,
बट जहांगीर के साथ जंग छिड़ी और वह हार गए और उन्हें फोर्स किया गया जहांगीर के सुजैरनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए. सुजैरनिटी मतलब आप एक्सेप्ट करो, हम आपके सुपीरियर है और आप चलो चला लो इसे, बट आप हमें बहुत बड़ा टैक्स दो. तो क्या जहांगीर सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित रहा? नहीं दोस्तों, जहांगीर की तलवार प्यासी थी. जहांगीर पहुंचा डेक्कन. डेक्कन अकबर भी पहुंचना चाहते थे. लाइक अकबर, जहांगीर वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग मुगल रूल. एक्सटेंड करना है हमें अपना रूल को, मुगल रूल को. अकबर चाहते थे डेक्कन में हम रूल करें, तो जहांगीर ने भी चाहा. ऐसा नहीं है कि बाप का सपना पूरा करने निकले थे. भाई जो जितना ज़्यादा रूल करे, जितना ज़्यादा टेरिटरी मेरे कब्जे में हो, मैं उतना ही पावरफुल. हाँ, पिताजी नहीं कर सके तो क्या हुआ, मैं जहांगीर हूँ, मैं करके दिखाऊंगा. ऐसा नहीं है कि बाप के लिए बहुत रिस्पेक्ट था. नहीं दोस्तों, जहांगीर वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग मुगल रूल टू द साउथ. जहांगीर सेंट प्रिंस खुर्रम. प्रिंस खसुराव को तो मार डाला, अंधा कर दिया, या मार नहीं डाला, जैसे लिख रखा है कि फोर्ट ऑफ आगरा में कन्फाइन करके रखा, जो भी है जिंदगी तो खत्म कर दिया था. प्रिंस खुर्रम, एक और बेटा प्रिंस खुर्रम, जिसको हम बाद में जानेंगे शाहजहां के नाम से. जहांगीर ने अपने बेटे को कहा, बेटे खुर्रम, और बेटा खुर्रम ने कहा, हाँ पिताजी बोलिए क्या करना है, जाओ बेटे जाओ, कुछ करके दिखाओ. तो बेटा खुर्रम जाता है टू रिकैप्चर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और खुर्रम वॉज सक्सेसफुल इन रिकैप्चरिंग इट. तो डेक्कन भी जहांगीर के कब्जे में आ गया, और उसे लाने वाला था प्रिंस खुर्रम. खुर्रम 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 खुर्रम, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए खुर्रम 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 खुर्रम. तो बेसिकली जो भी हो, खुर्रम जाके अहमदनगर को जीत लेता है. दोस्तों अब बात करना है एक और टेरिटरी जिसका नाम है कंगरा. जहांगीर सेंट एन एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन का मतलब क्या है, अपना सेना को भेजना टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कंगरा. आफ्टर अ शॉर्ट सीज, शॉर्ट मतलब बहुत ज्यादा जंग नहीं चला, बहुत कम समय पे द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड. बड़ी आसानी से कंगरा को हमने कंगना पहना दिया. अब बात करना है एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला का. दोस्तों ये महिला को देखिए, बहुत ही खूबसूरत. इनका नाम है नूर जहान. अब नूर जहान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जहांगीर की जिंदगी में. जहांगीर मैरिड द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, अरे बाबा एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एंड इंटेलिजेंट, खूबसूरत भी और दिमाग वाली भी. क्या नाम था उनका, मेहर उन निसा. मेहर निसा, और उन्हें बेटर नोन एज नूर जहान, मतलब नूर जहान के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुई वो, नूर जहां. आइए अब नूर जहान या मेहर उन निसा के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं. दोस्तों शी वॉज अ विडो. अरे विडो मतलब पहले से शादी हो चुकी थी इस खूबसूरत सी महिला की. पति मर चुके थे,
मर चुके थे या जहांगीर ने मरवा दिया, वी डोंट नो। बट ऐसा बोलना गलत है दोस्तों, ऐसा सोचना भी गलत है। ऐसा मत सोचिएगा कि जहांगीर ने मरवा दिया। हिस्ट्री क्या बोल रहा है, जो किताब अभी आपके सामने है वो ये कह रहा है कि शी वॉज अ विडो बिफोर बींग अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नूर जहान। नूर जहान मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा जहान के आप लाइट हो, मतलब ऐसी खूबसूरती थी। शी वॉज कॉल्ड नूर महल, दैट इज लाइट ऑफ द पैलेस। जैसे होता ना, घर पे आप अगर हो तो बस जहां आप बैठते हो तो पूरा रोशन कर देते हो घर को, महल को। महल महल क्या, आप तो जी पूरे जहान को रोशन कर देते हो, तो नूर जहान हो गया। पहले घर पे आप रोशन करते थे घर को या महल को। द रोल ऑफ नूर जहान, क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका। द रोल ऑफ नूर जहान ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द रेन ऑफ, रेन मतलब रूल, रूल ऑफ जहांगीर। आइए पता करते हैं क्या था। हर डिवोशन टू जहांगीर वॉज अनमैच्ड, अनमैच्ड, नो बडी कुड मैच द वे शी वॉज डिवोटेड टूवर्ड्स हर हस्बैंड। ही कौन, जहांगीर एंट्रस्टेड द वर्क ऑफ गवर्नेंस टू हर। जहांगीर ने भी जब देखा कि बहुत ही डेडिकेटेड है, तो चलिए आप राजपाट आप संभालिए, गवर्नेंस, रूल्स रेगुलेशन, हाउ टू गवर्न, यू मेक द रूल्स, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। नूर जहान वॉज एम्बिशियस, एम्बिशियस, कुछ कर दिखाना चाहती थी, मौका मिल गया उसे। And soon became the center of power in the Mughal court. जब governance, policy making अगर आपके हाथ में आ जाए, और जहांगीर एक powerful emperor थे, और जहांगीर ने कह दिया हमारे behalf में decision लेंगी हमारी हुस्न की मलिका नूर जहान, किसी का हिम्मत नहीं था कि वो बगावत करे। और नूर जहान समझदार थी, बेवकूफ नहीं थी, एम्बिशियस थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, और बहुत जल्द पूरे के पूरे मुगल कोर्ट, जहां इतने सारे लोग थे, सबके ऊपर उसने दिखा दिया, साबित कर दिया कि देखो मैं, मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर दम है। जहांगीर केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जब उसे मालूम है कि नूर जहान बहुत अच्छे से संभाल रही है, तो वो ज़्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाया। विच अगर जहांगीर दिमाग नहीं लगा रहा, और दिमाग चल रहा है किसका, नूर जहान का, विच मेड हर द वर्चुअल रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो कहने को बादशाह थे जहांगीर, बट हुकूमत चल रही थी नूर जहान की। नूर जहान यूज्ड हर पोजीशन। अब देखो, अच्छा पोजीशन पे हो, पावरफुल पोजीशन पे हो, तो आप अपने लिए कुछ तो फ़ायदा करोगे। तो उसने क्या फ़ायदा किया, उसने वो पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने पिताजी को, टू अपॉइंट हर फादर, ब्रदर एंड अदर रिलेटिव्स टू इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, जाहिर सी बात है, पिताजी के ऊपर, अपने सगे भाई के ऊपर और अपने रिश्तेदार के ऊपर, आपको बाकी लोगों से तो कुछ ज़्यादा भरोसा रहेगा ही। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है, हर लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो उस जगह आपका दिल पसीजेगा कि कम से कम शायद मेरे पिताजी उतने ख़राब तो नहीं हो जो बाकी लोग हो। तो अपने पिताजी को, भाई को, रिलेटिव्स को इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन पे। हर ब्रदर्स डॉटर,
भाई की बेटी, उनका नाम था मुमताज महल, वॉज मैरिड टू प्रिंस खुर्रम। तो भाई की बेटी से अपने बेटे का शादी हो गया, मुस्लिम्स में होता है। सो मुमताज महल बन गई बहू। नूर जहान वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शी शेयर्ड जहांगीर इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स। जहांगीर साहब को भी इंटरेस्ट था फाइन आर्ट्स में। नूर जहान असिस्टेड जहांगीर इन द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ ब्यूटिफुल गार्डन्स। तो ये एक अच्छा बात जहांगीर के बारे में पता चल रहा है कि जहांगीर साहब को गार्डन्स, बाग बगीचों का बड़ा शौक था। और ऐसा ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बाग है शालीमार बाग ऑन द बैंक ऑफ दल लेक इन कश्मीर। तो शालीमार बाग बहुत ही खूबसूरत बाग है और उसे डिज़ाइन किया जहांगीर ने और उस डिज़ाइन में हेल्प किया नूर जहान ने। अब आइए प्यार मोहब्बत से निकल के बाग बगीचों से निकल कर बात करते हैं कंदहार की। कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, लॉस ऑफ कंदहार। अब जिंदगी में कितना ही बगावत कर लो, शासन कर लो, राज कर लो, ये जो शरीर भगवान ने दिया है वो एक दिन थकता है। यस, जहांगीर भी अब मरने वाले हैं दोस्तों, मौत के करीब है। द फाइनल ईयर्स ऑफ जहांगीर रेन सॉ अ पावर स्ट्रगल बिटवीन नूर जहान एंड प्रिंस खुर्रम। ये क्या देख रहे हैं हम दोस्तों, माँ और बेटे के बीच में झगड़ा। वन ऑफ द डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑफ दिस पावर स्ट्रगल वॉज लॉस ऑफ कंदहार। माँ और बेटे लड़ रहे हैं, जहांगीर कमजोर हो चुके हैं, जहांगीर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वैसे भी जब शरीर साथ नहीं देता तो सारे मोह माया अपने आप कम हो जाते हैं दोस्तों। तो कंदहार की कहानी क्या हुई, When the Persians besieged Kandahar, अब Persians जो है वो भी देख रहे हैं कि यहाँ तो जहांगीर कमजोर हो गए हैं। दुश्मन कब हमला करता है, दुश्मन तभी हमला करता है जब उसे पता है कि मेरा दुश्मन जो है वो अभी कमजोर है। तो Persian को पता था कि कंदहार पे अभी हम हमला करेंगे तो जीतने की चांसेस बहुत है। नूर जहान वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। She ordered Prince Khurram to march to Kandahar. Noor Jahan powerful थी ना, तो खुर्रम को उसने कहा जाओ तुम कंदहार जाओ, Persians ने attack कर लिया है। But Prince Khurram कहाँ सुनने वाले थे, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली। But the latter refused to do so. She favored her son-in-law. बेटा अगर नहीं सुना तो दामाद। दामाद कौन, प्रिंस, प्रिंस 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 नाम नाम नाम, यस हियर वी हैव प्रिंस शहरयार। एज द हेयर टू द थ्रोन इंस्टेड ऑफ खुर्रम। तो बेटा नहीं तो जमाई सही। It was this fear which forced Khurram to rebel against his father rather than fight against the Persians. Basically, कहानी से ये समझ में आ रहा कि नूर जहान चाहती थी कि खुर्रम साहब तो Persians में जाके जंग में बिजी हो जाए और इधर मैं अपने जमाई बाबू शहरयार को गद्दी संभाल दूं। Thereby Kandahar was lost to the Persians. तो आपस में घर की लड़ाई के फायदे
हुए पर्शियंस को आफ्टर जहांगीर्स डेथ. बट बिफोर दैट खुर्रम का दुश्मन कौन बना? खुर्रम का दुश्मन कौन था? खुर्रम का दुश्मन था उसी के जीजा जी, बहन का हस्बैंड ही तो था दोस्तों. और उनका नाम क्या था? शहरयार. चलिए जहांगीर साहब अब चले गए, चल बसे 1627. हमें पता था शुरू में, याद करो 1605 टू 1627. सो जहांगीर 1627 पे चल बसे. नूर जहान रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड हर इन्फ्लुएंस एट द कोर्ट ऑल्सो डिमिनिश्ड. जब आप पब्लिक लाइफ से दूर हो जाते हो तो आपका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है. जहांगीर एंड द सिक्स, द एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन का मतलब? एग्जीक्यूशन मतलब मार डालना, ठीक है. गुरु अर्जन देव को मारा था, याद है? क्यों मारा था? क्योंकि वो उसके बेटे को हेल्प किया था मॉनेटरी. ओके ओके. सो अर्जन देव जी को मारा गया था बिकॉज ही हेल्प्ड. किनको हेल्प किया था? क्या नाम था उनका? बेटे खुशराव. खुशराव को. परफेक्ट. तो खुशराव को हेल्प किया गया था, इसीलिए जहांगीर ने अर्जन देव जी को मार डाला था. परफेक्ट. ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर था जहांगीर का. पॉलिटिकल ब्लंडर मतलब क्या है? पॉलिटिक्स मतलब क्या है? जो राज करते हैं उनकी जो पॉलिसीज होती है. तो वो राजा थे, जहांगीर राजा थे, राइट? और राजा होने के नाते उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अर्जन देव सिंह को मार दिया जाए. तो इसे पॉलिटिकल ब्लंडर बताया जा रहा है. ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक, छोटा मिस्टेक भी नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक बताया जा रहा है. पॉलिटिकल ब्लंडर बाय जहांगीर. अब इसको समझेंगे कि पॉलिटिकल ब्लंडर कैसे था ये. द लैटर. द लैटर मतलब जहांगीर कंटिन्यूड हिज हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी मतलब हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स सिख. हॉस्टिलिटी इज अ नेगेटिव इमोशंस. जब आप किसी के प्रति अच्छा भावना नहीं रखते हो. तो जहांगीर कंटिन्यूड मतलब शुरुआत कहां से किया? यह बोला जा रहा है कंटिन्यूड हिज हॉस्टिलिटी. तो शुरुआत बताइए कहां से हुआ था? जब वो गुरु अर्जुन देव को मारा था. वहां से शुरुआत हुई थी और अभी भी चली जा रही है. कंटिन्यूड है. हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द सिक्स बाय इम्प्रिजनिंग गुरु हर गोबिंद. पहला काम उसने क्या किया था? पहला अत्याचार क्या किया था बताइए? गुरु अर्जन गोविंद को मार डाला. अर्जन देव को मार डाला और उसके बाद हॉस्टिलिटी कंटिन्यू रही. गुरु हर गोबिंद को क्या किया उन्होंने? प्रिजन में डाल दिया. और ये कौन थे? हर गोबिंद जी कौन थे? द सक्सेसर ऑफ गुरु अर्जन देव. अर्जन देव जी के बाद जो उनकी गद्दी पे बैठे हैं, क्या नाम था उनका? गुरु हर गोबिंद. उनको भी बंदी बना लिया, प्रिजन में डाल दिया. एक साल दो साल के लिए नहीं जी, फॉर सेवरल इयर्स. अब एक बात बताओ, अगर एक गुरु को मार दें और उनके गद्दी पे जो सक्सेसर थे जिन्होंने बैठा उनको अगर हम प्रिजन में डाल दें तो सिख कम्युनिटी जो है वो जहांगीर के दोस्त बनेंगे या दुश्मन बनेंगे? दुश्मन. बिल्कुल सही. अब आइए बात करते हैं जहांगीर एज अ रूलर. वो कैसा राजा था? जहांगीर इज फेमस फॉर हिज गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस. अब आपके मन में आ रहा होगा कि जहांगीर जैसा राजा जिसने ऐसा काम किया, गुरु को मार दिया, किसी को प्रिजन में डाल दिया, और ये इंसान जस्टिस का बात कर रहा है. तो अभी अभी हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स.
राज करने की नीति को हम कहते हैं राजनीति। तो कई बार ऐसा होता है राजा बने रहने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, बट हो सकता है व्यक्ति अंदर से कुछ और हो, राइट। तो ये जो रूलर है जहांगीर, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो कोई भी एक घटना को लेकर हम पूरा पूरी किसी भी इंसान को नहीं समझ सकते हैं। तो जहांगीर एज अ रूलर, ही इज फेमस फॉर हिज गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस। क्या था ये? द चेन वॉज सेट अप एज अ लिंक बिटवीन जहांगीर एंड हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? नहीं, तो प्यूपल्स। ओके, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा। तो उसने क्या किया, ही इंस्टॉल्ड आउटसाइड द फोर्ट ऑफ आगरा विथ 60 बेल्स। एनीवन कुड पुल द चेन टू रिक्वेस्ट अ पर्सनल हियरिंग विद जहांगीर हिमसेल्फ। पर्सनल हियरिंग मतलब राजा स्वयं आएंगे कि बताइए क्या कष्ट है आपको, हम सॉल्व कर देते हैं। जहांगीर प्रिजर्व द मुगल ट्रेडिशन ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। एक तो शुरुआती तौर पे बताया जा रहा है ही वॉज फेमस फॉर द गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस। और इस गोल्डन चेन में क्या था, कितने बेल्स थे? एक दो 60 बेल्स थे। और अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था बेल बजाने के लिए? एनी वन कुड पुल द चेन 60 बेल्स को एक चेन में बांधा गया था। तो याद रखना आपको द चेन, पुल द चेन। और चेन पुल करने से क्या होगा, जैसे ट्रेन में चेन पुल करने से क्या होता है, टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। यहां पर चेन को पुल करने से क्या होगा बताइए? ओके, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर वॉज अ डिवोट मुस्लिम बट डिड नॉट लेट हिज पर्सनल बिलीफ्स डिक्टेट हिज स्टेट पॉलिसीज। मैं मुस्लिम हूं बट मेरी प्रजा में सब कोई मुस्लिम नहीं होंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो मेरे पर्सनल बिलीफ को मैं स्टेट बिलीफ से नहीं जोड़ा हूं। ही कंटिन्यूड विथ अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब मैं राजा हूं और मैं मुस्लिम हूं और आप हिंदू हो या आप सिख हो, तो मैं चाहूंगा नहीं आप हिंदू मत रहिए, आप भी मुस्लिम बन जाइए, क्योंकि मैं हिंदू को टॉलरेट ही नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं था। ही कंटिन्यूड विथ अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कि जो जैसा रिलीजन प्रोपगेट फॉलो कर रहा है उसे किया, उसे करने दो। आइए और पता करते हैं जहांगीर के बारे में, क्या आप इंटरेस्टेड हो? मुझे पता आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट क्या करें, हिस्ट्री है, मार्क्स लेना है कि नहीं? हाँ। तो आइए लेते हैं मार्क्स। जहांगीर वॉज एन एक्सलेंट राइटर, अच्छे लेखक थे, एंड अ लवर ऑफ नेचर। एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ दिस पीरियड वॉज हिज ऑटोबायोग्राफी। और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? तुज्क ई जहांगीरी, ऑल्सो रेफर्ड टू एज जहांगीर नामा। ही रिकॉर्डेड डिटेल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फ्लोरा एंड फौना, क्या आप जानना चाहेंगे क्या होता है फ्लोरा एंड फौना? बोलिए, क्या आपको पता है? आइए देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। ये स्पीशीज अलग अलग
एक मिनट, ये देखिए, फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ, फौना रेफर्स टू द एनिमल लाइफ. Fauna derives from the name of the Roman goddesses. But the handiest way to remember flora and fauna is that flora sound like flowers, which are part of the plant world, and fauna sounds like fawn, and fawns are part of animal kingdom. ठीक है? तो basically जहांगीर ने plant kingdom और animal kingdom दोनों के बारे में all over India में he recorded the details कि कौन से देश इंडिया के कौन से corner में कैसे अच्छे अच्छे plants हैं और कैसे एनिमल्स है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. ही वॉज अ क्यूरियस, देखो जिसे इतना जिज्ञासा हो कि अरे कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है, तो यस ही हैज टू बी अ क्यूरियस फेलो, राइट और रॉन्ग? ही वॉज अ क्यूरियस एंड अ साइंटिफिक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व कर रहा है बंदा. कैसे पता चला? एक फूल को अगर आप बोल रहे हो कि देखो ये कश्मीर की फूल है और ये जम्मू की फूल है, तो वो पता कर पा रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑब्जर्व कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, राइट? हिमाचल प्रदेश के और कश्मीर से ही इज मेकिंग अ डिफरेंस ऑफ माइन्यूट डिटेल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जहांगीर वॉज फैसिनेटेड बाय आर्ट एंड आर्किटेक्चर. क्या सिर्फ प्लांट एंड एनिमल तक ही उनका इंटरेस्ट सीमित था? नहीं. तो और क्या था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ही लाइक्ड पेंटिंग्स एंड कलेक्टेड मेनी ऑफ देम. ही लाइक्ड पेंटिंग. क्या ये बताया जा रहा है कि वो खुद पेंटर थे? नहीं. ही लाइक्ड पेंटिंग्स और ही कलेक्टेड. जो पेंटिंग उसे पसंद आती थी, अच्छी लगती थी, वो कलेक्ट कर लेते थे. पेंटिंग्स क्रिएटेड ड्यूरिंग हिज रेन वर क्लोजली कैटलॉग्ड मतलब वो कलेक्ट कर लेते थे, उसको एक साथ रखते थे कैटलॉग की तरह. और तो डेट भी लिखते थे कि ये पेंटिंग किस डेट का है. यहाँ तक कि ही इवन साइंड इट, प्रोवाइडिंग स्कॉलर्स विथ फेयरली एक्यूरेट आइडिया. स्कॉलर्स मतलब जो भी उस पेंटिंग्स के बारे में जानने का इच्छा रख रहे हैं स्कॉलर्स. एक मिनट, फेयरली एक्यूरेट आइडियाज अबाउट व्हेन एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट मेनी ऑफ दिस फाइन पीसेस वर क्रिएटेड. ये आवाज कहां से आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? तो तुम क्या चला रही हो? ये देखिए एक पेंटिंग, अ नेचर पेंटिंग बाय वन ऑफ जहांगीर्स लीडिंग पेंटर्स. अब भाई ये बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की. ईस्ट इंडिया कंपनी एट जहांगीर्स कोर्ट, ये बात हो रहा है अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश पीपल. देखिए कैसे हमारे देश में घुसे थे. द पोर्चुगीज हैड एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स ड्यूरिंग अकबर्स रेन. अकबर के राज्य के समय ही पोर्चुगीज एक ट्रेडिंग सेंटर इंडिया को बना चुके थे. अब ब्रिटिश भी पीछे पीछे आ गए. द ब्रिटिश गॉट देयर ट्रेडिंग राइट्स व्हेन सर थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट. तो इंडिया का राज्य, इंडिया पे राज शुरू करने का ये बंदा जो है थॉमस रो, ये जहांगीर के पास आता है.
Jahangir gave the English East India Company the permission to set up factories at Surat and Surat and Broach. तो कहां पर परमिशन मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को? सूरत एंड ब्रोच. सर थॉमस रोज अकाउंट फॉर्म्स अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जहांगीर्स रेन. क्योंकि ये थॉमस रो जो है ब्रिटिशर था, इंडिया में आया था, इंडिया में बिजनेस करना चाहता था, तो जहांगीर से परमिशन लेना था. तो जहांगीर के बारे में उसने बहुत कड़ा ऑब्जर्वेशन रखा था. तो जहांगीर के बारे में आज हम पता कर रहे हैं. तो सर थॉमस रो के नज़रिए से उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन लिखा था तो वैल्यूएबल सोर्स मान रहे हैं हम. करेक्ट. लास्ट डेज ऑफ जहांगीर. इंसान जीता है, राजा बनता है, राज्य करता है, मगर फाइनली मरता भी है. While returning from Kashmir to Lahore, Jahangir died on the way in 1627 CE. He was buried in Shahdara, a suburb of Lahore. He was succeeded by his son, Shah Jahan. ये देखो Jahangir's tomb at Lahore. आइए अब चर्चा करना है ताजमहल किसने बनाया था. ताजमहल बनाया था शाहजहां ने. आइए शाहजहां के बारे में जानते हैं. शाहजहां विच मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड वॉज बॉर्न एज प्रिंस खुर्रम इन 1592 CE इन लाहौर. ही इंश्योर्ड हिज पोजिशन एज द मुगल एम्परर बाई ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मेल रिलेशंस हु माइट हैव हैड any claim to the throne. Oh my God, can you believe this? He ensured his position as the Mughal emperor by ordering the execution of all male relations who might have had any claim to the throne. जितने भी उसके भाई, कजन भाई या जो भी है, जो भी राजा बनने का क्लेम कर सकता था, पहले ही मर डाला. अब बचा कौन? मैं ही बचा. शाहजहां वॉज इंटेलिजेंट, एम्बिशियस एंड डायनामिक. शाहजहां वॉज इंटेलिजेंट, एम्बिशियस एंड डायनामिक. बुद्धि इंटेलिजेंट कहाँ लगाया? इंटेलिजेंस लगाया कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं हटा दूंगा. एम्बिशियस था वो. चलिए डायनामिक भी था. ही वॉज ईगर टू कंटिन्यू अकबर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. ये भूख खत्म नहीं हो रही है. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई किंगडम, वॉन्ट टू गो फर्दर फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर. तो आइए देखते हैं वो क्या करते हैं. तो कुछ जीत भी हासिल की और कुछ हार भी हुआ. कॉन्क्वेस्ट एंड लॉसेज अंडर शाहजहां. Are you ready? Yes. डेक्कन का बात करते हैं. शाहजहां was determined to consolidate the Mughal Empire by bringing the Deccan region under his control. The three states in the Deccan were Ahmednagar, Bijapur and Golconda. Ahmednagar, Bijapur एंड गोल कोंडा. अगर अब आपको याद करना है तो आपको याद तो करना होगा. तो अब आप बोलोगे ये जो ढक्कन वाला ये रीजन है ना, ढक्कन है सब यहां पर, सारे के सारे लोग ढक्कन है भाई. क्यों ढक्कन? क्यों? अरे मैड है, अरे पागल है, मैड नगर है ये. अरे क्यों मैड नगर है? देखो पान का सारा बीज
मेरे कुर्ते पे कर दिया रे, ये देखो गोल गोल कोंडा कोंडा दाग लगा दिया इसने कुर्ते पे। ओके तो देखो कुछ भी बकवास करो, मुद्दा ये है कि ये ढक्कन लोग है, ये मैड नगर है, बीज पूरे मेरे कुर्ते पे लगा दिया, पान का बीज या कोई भी बीज कुछ भी बोलो, और देखो गोल गोल लगा दिया, गोल गोल बीज, कोंडा कोंडा, गोंडा गोंडा, ठीक है। सो जैसे भी हो अब आपको याद रहेगा डेक्कन के तीन मेजर स्टेट्स का नाम बताइए। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। यस यू गॉट इट। चलिए, दीज स्टेट्स ऑफन शेल्टर्ड द मुगल एनिमीज। ये स्टेट्स क्या करते थे, जो भी मुगलों के शत्रु है, बोलते हैं ना शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ओके सो ये स्टेट्स मुगल एनिमीज को शेल्टर करते थे। तो मुगल्स तो चाहेंगे ना कि ये तीनों स्टेट अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा टोटली मेरे कब्जे में आ जाए। एंड थ्रेटन इट्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। किसका सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते थे ये तीन स्टेट? मुगल्स। तो मुगल क्या चाहेंगे बताइए? मुगल चाहेंगे उनके ऊपर सुजेरेनिटी। परफेक्ट जवाब। तो मुगल को हराना होगा इन तीन स्टेट को, डेक्कन को पूरा कंट्रोल में लेना होगा। क्या शाहजहां कंट्रोल ले पाएंगे, आइए देखते हैं। शाहजहां सेंड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट अहमदनगर इन 1633 CE। अहमदनगर वॉज फुली फाइनली एनेक्स टू द मुगल एम्पायर। तो एक्सपेडिशन टू अहमदनगर, एक स्टेट अहमदनगर शाहजहां के अंडर आ गया है। आगे देखते हैं, शाहजहां सबड्यूड द किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। सबड्यूड, चलो ये दोनों भी आ गए। हाउएवर ही डिड नॉट एनेक्स दीज किंगडम्स। सबड्यू किया, एनेक्स नहीं किया। एनेक्स मतलब जोड़ा नहीं अपने साथ। ठीक है तुम लोग ही राज करो, बट तुम मुझे हर साल टैक्स देते रहो। ही फोर्स देम टू पे एनुअल ट्रिब्यूट्स and accept the Mughal suzerainty. तो डेक्कन शाहजहां के कंट्रोल में आ गया। सेंट्रल एशिया का बात करते हैं। शाहजहां sent a large army into Central Asia to revive Timur's empire. In spite of some initial success, the campaign ended in a failure. तो सेंट्रल एशिया का जो सपना था टिमूर एम्पायर को कैप्चर करने का, ये इनको सक्सेस नहीं मिली। कंदाहर का बात करते हैं। द मुगल्स हैड लॉस्ट कंदाहर टू द शाह ऑफ पर्शिया ड्यूरिंग जहांगीर रेन। याद है आपको? जी, क्यों? राइट, माँ बेटे में लड़ाई हो गया था तो कंदहार खो गया था। तो शाहजहां क्या चाह रहे थे कि कंदहार को मैं वापस लेकर आऊंगा। शाहजहां मेड थ्री अटेम्प्ट्स। कितना अटेम्प्ट? थ्री। मगर क्या वो सक्सेसफुल हुए? नहीं हुए। कंदहार नहीं मिल पाया शाहजहां को। तो सक्सेस कहाँ मिला उन्हें? डेक्कन में मिला। फेलियर कहाँ मिला? सेंट्रल एशिया में मिला। CA, सेंट्रल एशिया में फेलियर मिला। CA एक ऐसा शब्द है जहाँ बहुत आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे जाके पूछिए, कंदाहर में भी सक्सेस नहीं मिला। पॉलिसी टूवर्ड्स पोर्चुगीज। द पोर्चुगीज हैड सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम अकबर। दादाजी से, दादाजी हुए क्या अकबर? क्या परदादा जी हुए? दादा जी, इज इट? द पोर्चुगीज हैड सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम अकबर एंड दे कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यूरिंग जहांगीर रेन। इनिशियली शाहजहां अलाउड द पोर्चुगीज टू कंटिन्यू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है दादाजी के जमाने से चले आ रहे हो तो आप काम करते रहो, बट पोर्चुगीज बड़े अच्छे सक्सेस बिजनेस में हासिल कर चुके थे, फ्लरिश काफी तरक्की कर रहे थे। फ्लरिश इज द राइट वर्ड।
but soon found out that they were using their base in Hooghly for piracy in the Bay of Bengal. Hooghly Bay of Bengal mein apna base bana ke piracy kar rahe the. Loot patat, loot lo. To aaye the business karne, but ban gaye pirates. They were loot rahe the. कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में. तो जहांगीर ने क्या किया? ही सेंड मुगल फोर्सेस टू डिफीट एंड एक्सपेल देम फ्रॉम हुगली. भगा उन कमीनों को. ये आप जो मैप देख रहे हो दोस्तों, ग्रीन वाला बाबर का कॉन्क्वेस्ट है, पिंक वाला अकबर का है और पर्पल वाला जहांगीर का है. जहांगीर एंड शाहजहां. तो देखो बहुत ज्यादा उसने कुछ नहीं किया है, बट सबसे ज्यादा पिंक कलर है, पिंक. इसीलिए तो कहा जाता है अकबर द ग्रेट. शाहजहां's कॉन्ट्रीब्यूशन टू मुगल आर्किटेक्चर कितना मिनट है? द रेन ऑफ शाहजहां इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. शाहजहां इरेक्टेड मेनी स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट्स, द मोस्ट फेमस बीइंग द ताज महल एट आगरा. अरे हजूर, वाह ताज बोलिए. इट वॉज बिल्ट एज अ टूम फॉर हिज बिलवड वाइफ अर्जुमंद बानू बेगम, ऑल्सो नोन एज मुमताज महल. तो ये नाम याद रखना होगा दोस्तों आपको, अर्जुमंद बानू बेगम. So, Mumtaz Mahal, one of the seven wonders of the world, it is made of pure marble, white marble. We all know that. Pure white marble decorated with semi-precious stones and lace-like screens. These semi-precious stones to Angrez baad mein loot ke le gaye hain, dosto. It is an octagonal monument with a splendid dome and four slender minarets. Set in a beautiful garden. तो ये आपको अगर ताजमहल का डिस्क्रिप्शन लेना हो तो याद रखना कि वाइट मार्बल डेकोरेटेड विथ सेमी प्रेशियस स्टोन, लेस लाइक स्क्रीन्स, ऑक्टागनल मॉन्यूमेंट, स्प्लेंडेड डोम एंड फोर स्प्लेंडर मीनारेट्स एंड सेट इन अ ब्यूटिफुल गार्डन. तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पॉइंट बन जाते हैं, तो भूलना नहीं है कुछ भी. Other important structures built by Shah Jahan are the Red Fort and the Jama Masjid in Delhi and the Moti Masjid in Agra. Ye sab aap dekhiye kuch, Diwan-e-Aam Red Fort, Diwani Khas Red Fort Delhi, the Rang Mahal, the Taj Mahal, an imitation of the Peacock Throne. Batayenge iske bare mein aapko. Nadir Shah loot ke le jaate hain ise. Red Fort, Delhi. Connecting past with the present. Taj Mahal ke baare mein jante thoda aur. Us samay jab Taj Mahal bana tha, the Taj Mahal had a dense garden originally with many ornamental and fruit trees. It was a particular style of garden cultivated by the Mughals. Matlab Mughals jab garden banate the to usme bahut sare फ्रूट ट्रीज रहते थे. क्या रहते थे? और क्या? ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट ट्रीज. हाउएवर द गार्डन ब्लॉक्ड द फुल व्यू ऑफ द ताज महल एज शोन इन द पिक्चर हियर. दूर से अगर आप देखोगे ना तो पूरा ताज महल पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है दूर से.
डेंस गार्डन्स थे. अब ब्रिटिशर्स आके क्या किए, देखो गार्डनिंग चेंज करा दिया उन्होंने. द ताजमहल दैट वी सी टुडे सराउंडेड बाय कॉलोनियल गार्डन्स. कॉलोनियल गार्डन्स, ये कॉलोनियल वर्ड ही यूज किया जाता ब्रिटिशर्स के लिए. दिस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग वॉज फॉलोड बाय द ब्रिटिश हु प्रेफर्ड लेस ट्रीज एंड एक्सपेंसिव लॉन्स. Therefore, it is possible to see the full structure of Taj Mahal. Do you know about any other ways in which the British altered the Taj Mahal? Do you know? मैंने अभी just बताया था कि semi precious stones को तो वो ले गए थे. बाकी आप Google कर सकते हो, पता चल जाएगा. चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं. शाहजहां के बारे में चर्चा चल रही थी ब्रेक से पहले. शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड बिल्ट द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद नोन एज ओल्ड दिल्ली टुडे. आज का ओल्ड दिल्ली को दूसरे कोई और तरीके से अगर हम आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप? परफेक्ट. The celebrated golden peacock throne, said to be worth million of dollars by modern estimates, was built for Shah Jahan and housed at Diwani Khas, Hall of Private Audience in the Red Fort. The celebrated golden peacock throne. अब आइए बात करते हैं शाहजहां एज अ रूलर. और ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है. सो कम ऑन, हैव स्माइल्स ऑन योर फेस. गुड. शाहजहां एज अ पेट्रन ऑफ फाइन आर्ट्स कंटिन्यूड द मुगल पेट्रनेज टू पेंटिंग. कंटिन्यूड जब भी आता है तो इससे पहले कौन था जिसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, बताइए? जहांगीर. Although his passion truly lay in architecture, his passion, मतलब जहांगीर का तो पेंटिंग में भी बहुत रुचि था, but शाहजहां का पैशन सबसे ज्यादा कहां पर था? आर्किटेक्चर. शाहजहां had combined him in himself the qualities of a military commander, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लवर ऑफ आर्ट. मिलिट्री कमांडर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लवर ऑफ आर्ट, तीन कॉम्बिनेशन. द किंगडम वॉज. एक बात बताइए, जहांगीर के समय पे कौन राज्य को चला रहा था? उसकी वाइफ नूर जहां. बट यहां पर देखिए तीनों काम वो खुद कर रहा, मिलिट्री कमांडर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लवर ऑफ आर्ट, इसीलिए बताया जा रहा. द किंगडम वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एंड कल्चरली वाइब्रेंट. किसके राज्य में? शाहजहां के राज्य में. In 1657, see, as Shahjahan became old, बूढ़े हो गए हैं साहब. A war of succession broke out among his four sons. चार बेटे थे, अब चारों बेटे बोल रहे मैं बैठूंगा, मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा. Shahjahan was put under house arrest in the Agra fort by his son Aurangzeb. He spent his last days in prison till his death in 1666. Oh my God. So, क्या हम ये देख सकते हैं कि 1657 से लेकर 1666 तक, 9 साल तक, 9 years तक वो prison में थे.
तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है? याद करो, जब शाहजहां को राजा बनना था तो उसने सबको मरवा दिया था। आज वैसा ही समय वापस इसके सामने आया है। इसके बेटों को राजा बनना है और बेटों ने इसे कैद करा दिया। तो जैसा संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे, जो काम आप खुद करोगे, आपके बच्चे भी आगे चलकर वही काम करेंगे। सो बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया है। बच्चों आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 1605 सी में जहांगीर बने क्या? एम्परर। 1628 सी में शाहजहां बिकेम, बट उससे पहले 1627 में जहांगीर मर गए। 1633 में क्या हुआ? शाहजहां एक्सपीडिशन टू अहमदनगर, अहमदनगर के साथ डेक्कन में, और दो राज्यों का नाम बताइए, बीजापुर और गोलकोंडा। वेरी गुड। 1658 में एंड ऑफ शाहजहां, बट क्या वो मरे थे 1658 में? नहीं मरे थे, बाद में मरे थे, 1666 में जाके मरे थे। ये सब आप अपने आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ओके? ये माइंड मैप आइए माइंड मैप करते हैं थोड़ा सा। चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर, चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर के समय का था। तुजगी जहांगीरी किसने, किसके समय पे लिखा गया था? डेक्कन, कांगरा एंड मेवार किसने कॉन्क्वेस्ट किया था? कंदहार का लॉस किसके समय हुआ था? नूर महल, ऑल गवर्नमेंट एंड वर्क ऑफ जहांगीर, नूर जहान, ये किस समय है? एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ गुरु हरगोबिंद, जहांगीर एंड द सिक्स। सर थॉमस रो फैक्ट्रीज एट सूरत एंड ब्रोच, ये था जहांगीर और ईस्ट इंडिया कंपनी, करेक्ट? अब शाहजहां के बात अगर करें हम, तो कॉन्क्वेस्ट की अगर बात करें तो डेक्कन, सेंट्रल एशिया, कंदहार, पोर्चुगीज एट हुगली। बट आपको पता है सेंट्रल एशिया पे और कंदहार पे उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, राइट? तो कॉन्क्वेस्ट एंड लॉस लिखना चाहिए यहां पर। आर्किटेक्चर में ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। शाहजहां एज अ रूलर, पेट्रोनिस्ट टू पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर, ग्रेट मिलिट्री कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो क्या ये बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद फिल कर लोगे? क्या आप चाहते हो कि मैं आपका मदद करूं? आप खुद कर लेंगे? चलिए, तो मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं कि आप खुद कर लोगे। सो चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। रिलैक्स रहिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।